आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुलक रहमान। दशकों महाराष्ट्र में सबसे बड़ा खेल क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में विधायकों को लेकर के इतना जो है पशुपेश का मंजर क्यों नजर आता है? क्यों उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गए और क्यों एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लाना पड़ गया? लेकिन अब जो स्थिति बदल रही है, अब जो राजनीतिक माहौल करवट ले रहा है, वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशानी में डालने वाला है। और ये कैसे, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल बागी विधायकों को लेकर के एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि 16 से ज्यादा बागी विधायक इस समय पलटी मारने को तैयार है, यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार को अस्थिर करने का पूरी तरीके से उनका प्लान बन चुका है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, मात्र उस पर अमल करने की बारी है। और जैसे ही ये कदम उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के उन तमाम दावों की पोल खुल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये जो सूत्र के दावे हैं इसमें दम है? और दम है तो क्यों है, ये भी बात आपको समझने की जरूरत है दर्शकों। चूंकि बागी विधायकों को जो दावा किया गया था एकनाथ शिंदे के द्वारा, जब सरकार गिराई गई थी उस समय ये बात कही गई कि तमाम को जो है बड़े पद दिए जाएंगे, बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद ही तमाम जो मलाईदार मंत्रालय थे वो अपने पास रख लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दे दिया और एकनाथ शिंदे के हाथ लगी बची खुची कुर्सी। और उस कुर्सी में भी विधायकों की भागीदारी को वो उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाए। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो आदेश जारी हो गया है, इस आदेश के बाद अब क्या बागी विधायक भी उनके खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? और अगर ये हुआ तो साफ तौर पर स्थिति काफी ज्यादा नाजुक माहौल में पहुंच जाएगी। फिलहाल इस बात पर हमारी नजरें बनी हुई है, इस पूरे मामले पर हम लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।